आज खास करके अर्चना मैम का 18 साल का एक्सपीरियंस आज आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। आपने अगर अब तक अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है, अगर आपने अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है, तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है, मेरी विनती है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे बहुत ही धमाकेदार ट्रेनिंग हमने कंप्लीट की है, उसकी वीडियो आपको मिली होगी, जो एक प्रोस्पेक्टिंग वीडियो के तौर पर आपके पास पहुंचा है। तो मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं इन बिटवीन टाइम, तो आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करें। एक दफे जाकर आपसे ये मेरी गुजारिश है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप अपने ट्रेनर से मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आज की ट्रेनिंग में खास करके अपने सभी लोगों को आमंत्रित करें। आज नारी शक्ति का विराट रूप आपको देखने को मिलेगा, विराट रूप। बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिंदगी के मायनों को एहसास करने का मौका मिलेगा, आज एजुकेशन का कंबाइंड कॉम्बो आपको मिलेगा। तो आपसे मेरी विनती है, अभी तुरंत यूट्यूब से बाहर निकलकर आप जाकर चैट के ऑप्शन में, चैट का ऑप्शन यानी कि आपके पास मैसेंजर में जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर में, हर जगह जाकर एक दफे शेयर करें ये लिंक। लिंक शेयर करने के बाद वहां एक स्टेटमेंट दें कि आज की अगर नारी शक्ति की आवाज को आपने नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। आप लोगों को आमंत्रित करें, यह मैं आपसे आह्वान करता हूं, यह आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। क्या आप ऐसा करेंगे मेरे लिए? क्या आप करने को तैयार हैं? अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं तो आज आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। तो देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा मैम आपको, अर्चना पनवर जी, स्वागत है आपका। पूरा भारतवर्ष झुककर आपका स्वागत करता है और आपके बताए गए सिद्धांतों को सुनने को और उनके अनुपालन करने को लोग बेताब हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर, ऋषिकेश पाठक सर, मेरी वॉइस क्लियर है एंड वीडियो? बिल्कुल, वॉइस भी क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है मैम। जहां भी तकलीफ होगी मैं गाइड करूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू, गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सेल्स मोटिवेशनल ट्रेनर हमारे ऋषिकेश पाठक सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने खुद की फीलिंग्स शेयर कर सकूं और मैं खुद को, अपने आप को, अपने बारे में आप लोगों के साथ आज बात कर सकूं। और मैं बहुत ज्यादा सचमुच इम्प्रेस हूँ, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ इस ट्रेनिंग से, क्योंकि मैं 8 बजे आके डेली हम लोग सीखते हैं और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक मिला हुआ है। और ऋषिकेश पाठक सर डेली रेगुलर कंसिस्टेंट लेवल पे हमें इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी कंपनी में इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी से कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जो मेन चीज जो मुझे हमेशा हर चीज में अट्रैक्ट करती है वो करती है कंसिस्टेंसी, किसी भी काम की कंसिस्टेंसी, के लोग रेगुलर लेवल पे उस चीज को नहीं करते हैं। तो जो सर का एक कंसिस्टेंट लेवल है ना, दिवाली वाले दिन भी मुझे याद है कि दिवाली वाले दिन भी सर की ट्रेनिंग थी और मैं उनके रेगुलर सारी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ अपने आप को। मुझे लगता है ऋषिकेश पाठक सर की ट्रेनिंग अगर कोई एक महीना अटेंड कर लेगा ना शाम को 8 बजे का रेगुलर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रेनेटस वेलनेस में करोड़पति बन के ना निकले, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हमें ट्रेनिंग, सब कुछ मिल जाता है, पूरा एक फुल पैकेज हमें मिल जाता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम अर्चना पवार है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, अभी मैं सोनीपत हरियाणा में रहती हूँ और प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर हूँ सब। और इसके बाद मैं अपने बारे में बता के मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मुझे कभी रोका नहीं, मैं जो भी करना चाहती थी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वो सब चीजें करने दी। मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है और उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है, कभी भी इफ एंड बट नहीं लगाया कि उन्होंने कहा ठीक है, मतलब ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं भी होती थी किसी भी काम की तो कहते थे ठीक है कोई बात नहीं करके देखते हैं। तो मेरा एक ऐसा माइंडसेट बन गया कि ठीक है हमें नहीं आता, नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं करके देखते हैं क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारा एक ओपन माइंडसेट था दोनों का शुरू से, तो हम हर चीज को करके देखते थे। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी ग्रेट 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 अपलाइन का, लखविंदर सर खंगूरा सर का और लखविंदर सिंह कंगूरा सर का एंड मेघा शर्मा सर का, क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल मेरी उंगली पकड़ के मुझे एकदम चलना सिखाया है। नेटस वेलनेस में आने से भी पहले मैं 2 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी जरूर, लेकिन इतना ज्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना ज्यादा मुझे नहीं आता था। मैं काम कर रही थी लेकिन काम ठीक ठाक चल भी रहा था,
लेकिन मेरा जो एक बहुत बड़ा फियर था, बहुत ज्यादा फियर था मेरा इस इंडस्ट्री में आने से पहले, कि मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज्यादा मैं बहुत कम लोगों से बात करती थी, सोशल में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल मेरा सोशल सर्कल नहीं था, कोई मेरे पास लिस्ट नहीं थी, कोई मेरा सोशल सर्कल नहीं था। वो मैं अभी अपनी थोड़ा सा लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। और मैं मतलब नहीं, लोगों से बात करना मुझे पसंद नहीं था, ज्यादा मुझे पसंद नहीं था लोगों से इंटरेक्ट करना, एक फियर था मुझे पब्लिक स्पीकिंग का। तो ये जो फियर मेरा निकला है ना, वो मेरा रिलेटिव वेलनेस में आके निकला है। और ये जो मुझे सारी चीजें सिखाई है, बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके सिखाई है लखविंदर सर ने और मेघराज सर ने, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है रिलेटिव वेलनेस में, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, वो सिर्फ अपनी ग्रेट अपलाइन की वजह से, कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। एक एक चीज वो मुझे टिप पे बताते हैं, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ऐसे वो सिखाते हैं। तो ये जो पावर है इस रिलेटिव वेलनेस की, और यहाँ पे जो लोग लीडर्स काम कर रहे हैं उनकी, और जो हमारा ग्रुप है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप उसकी, कि वहां पे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है, चाहे कोई बंदा नया है या पुराना है, हर किसी को हैंड होल्डिंग दी जाती है, हर किसी को सपोर्ट किया जाता है। और एक लीडरशिप फैक्ट्री है ये, बेसिकली एक लीडरशिप फैक्ट्री है, कि जहाँ हर इंसान को लीडरशिप लीडर बनाया जाता है। मेरा ये मानना है कि टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, लीडरशिप हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या सही लोग नहीं मिलते जो उन्हें उतना सपोर्ट कर सके। तो वो सपोर्ट मुझे यहाँ मिला है, वो फील मुझे यहाँ आके मिली है कि हाँ मैं अब सही जगह पे हूँ और मैं सही काम कर रही हूँ, और अंदर से मुझे एक खुशी है, मुझे एक संतुष्टि जिसे कहते हैं आत्मसंतुष्टि, वो मुझे यहाँ काम करके मिल रही है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोगों का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हमेशा एक माइंडसेट रहता है, सर लोगों को लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती, या जिन लोगों के पास घर में कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वेल्ले लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये लोगों का एक माइंडसेट है, 90% लोगों का यही माइंडसेट है, क्योंकि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन एजुकेशन नहीं है, वो उसको ऊपर ऊपर से जानते हैं, उन्हें ज्यादा क्लियरली पता ही नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 17,000 बिलियन करोड़ की हो चुकी है, ठीक है। और ये अभी का हमारा, ये अभी की मैं आपको बता रही हूँ फिगर्स, जो आप गूगल सर्च कर सकते हैं वहां पे भी आपको दिख जाएगा। और 2025 तक ये 64,500 करोड़ की हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए तो नहीं है जो लोगों के पास पैसे नहीं है या खाली हैं बिल्कुल, या उनके पास एजुकेशन नहीं है, ये इंडस्ट्री सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देती है, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देती है ग्रो करने का, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देती है अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे करने का। जो चीजें, जो सपने हमारे खत्म हो चुके होते हैं ना अपनी डेली रूटीन के काम में, अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, वो सारे सपने हम इस इंडस्ट्री में आके हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा रोल है रिलेटिव वेलनेस का, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं मार्केट में, बहुत सारी हैं, लोगों को सपने भी दिखाती हैं लेकिन सपने पूरे हो नहीं पाते लोगों के। कहीं पे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कहीं पे सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को प्लान ही समझ में नहीं आता, 4-4 साल हो जाते हैं। तो रिलेटिव वेलनेस में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी शुरुआत में, कि प्लान बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल प्लान था, मुझे समझ में आ गया एक ही बार में, मैंने कभी दोबारा प्लान किसी से पूछा नहीं। और अगर मैं अब बात करूं कि वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट में भी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में मोर देन 50% वुमेन्स है। इंडिया में मोर देन 50% है, 53% पार्ट जो है वो वुमेन्स है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्यों है ऐसा, क्यों है कि मोर देन लोगों से, जेंट्स से ज्यादा वुमेन्स क्यों है डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमेन्स को, जो लेडीज को अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक दूसरा, एक सेकेंड चांस देता है कि वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सके, साथ में अपने सपनों को नई उड़ान दे सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने सबको केयर करते हुए अपने दोबारा से अपने सपने देख सके, उन्हें पूरा कर सके। तो ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये और किसी इंडस्ट्री में ये पावर नहीं है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैंने फील किया है, जहाँ पे 100% वुमेन की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। यहाँ पे जो वुमेन्स काम कर रही है ना, उनको हर कोई रिस्पेक्ट की नजर से देखता है, हर कोई सपोर्ट करता है, हर कोई उन्हें मोटिवेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, जो बाकी इंडस्ट्री में इतना नहीं है। लोग कहीं ना कहीं
सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहती है हमारी फैमिली जब हम लोग बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं ना वो हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना हमारा साथ देते हैं और हम लोग पूरी तरह से 100% सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर फील करते हैं इसलिए मोर देन 50% वुमेन्स डायरेक्ट सेलर्स हैं, मोर देन 50%, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत सारी लेडीज अब आ रही हैं इस तरफ। बहुत सारी लेडीज के सपने होते हैं लेकिन जब शादी होती है, बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी लेडीज भी घर में बैठ जाती हैं और उस कंफर्ट जोन में चली जाती हैं कि उनको लगता है कि बाहर निकल के कुछ करना, जॉब करना, अपने लिए करना, उनको एक गिल्ट आने लग जाता है, एक उनके अंदर गिल्ट आता है, अगर मैं अपनी फैमिली को इग्नोर करके काम करूंगी, अपने करियर के लिए काम करूंगी तो मतलब ये ठीक नहीं होगा, फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि हमें इंडियन मेंटेलिटी हमारी ऐसी है, इंडियन माइंडसेट हमें ऐसा दिया गया है, इंडियन माइंडसेट ऐसा दिया गया है कि वुमेन अगर लेडीज अपने बारे में सोचना शुरू कर देना तो उसको गिल्ट दे दिया जाता है कि वो कुछ गलत कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हमारी फैमिली को भी हमारी प्रायोरिटी समझना चाहिए। जो मैं सभी जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको भी मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी इस माध्यम से कि वो भी ये जरूर पूछे उनके घर में जो लेडीज हैं कि उनके सपने क्या है, उनको वो कैसा पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि एक लेडीज अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली को दे देती है, अपनी फैमिली की ध्यान रखती है, एक एक इंसान का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, हस्बैंड का ध्यान रखती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है, लेकिन वो अपने बारे में कहीं ना कहीं भूल जाती है, वो अपने सपनों को भूल जाती है। शादी से पहले सबके सपने बड़े होते हैं, किसी के छोटे नहीं होते, कोई छोटे सपने नहीं देखता, लेकिन उसके बाद धीरे 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 हम एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी शेयर करना चाहूंगी ताकि उससे आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी कि मैंने इस इंडस्ट्री में क्यों कदम रखा। 99% लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमें आते हैं बाय चांस, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को बाय चॉइस सेलेक्ट किया है। मैं उन 1% में से हूँ जो बाय चॉइस आई थी, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशनली मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। 18 साल का मेरा करियर था एज ए इंटीरियर डिजाइनर। 2002 से लेकर 2013 तक मैंने जॉब की, 4000 की सैलरी से जॉब स्टार्ट की थी। मेरी शादी उस वक्त हो चुकी थी, शादी के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और करियर थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो ग्रोथ थी क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको मालूम है, खासकर वुमेन्स के साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं ना, नई फैमिली में एडजस्ट करना होता है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, डिलीवरी, प्रेगनेंसी और बच्चों की टेक केयर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मैनेज करना होता है अपने करियर के साथ। तो मैं लकी थी, मेरे हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव है तो हम लोगों ने मिलकर सारा एडजस्टमेंट किया और मैंने अपना जो करियर है वो मैंने छोड़ा नहीं, ब्रेक लगते रहे बीच में ब्रेक लगते थे, लेकिन मैं फिर से ज्वाइन करती थी, फिर से स्टार्ट करती थी, फिर से मैं दोबारा से शुरू करती थी। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी थी कि काम करना बहुत जरूरी था दोनों के लिए, तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि हम दोनों काम करें, तो इसलिए भी एक कह सकते हैं कि हम दोनों ने मिलकर काम किया। और 2013 तक मैंने जॉब की, 2013 तक मैंने जॉब की और काफी अच्छे लेवल पे काम किया, काफी अच्छी ग्रोथ की, अच्छी सैलरी थी, साथ में मैं अपना पार्ट टाइम फ्रीलेंसिंग करती थी तो उससे भी अच्छी इनकम थी, लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल था मेरे लिए, बहुत ज्यादा पेनफुल था क्योंकि मेरी एक ड्रीम जॉब थी 9 to 5, वो मुझे कभी नहीं मिली। हमारा जो वर्क होता था वो हमेशा कहीं ना कहीं इस तरह से होता था, साइट पे या शोरूम्स में, तो मेरी जो जॉब की टाइमिंग होती थी हमेशा 8 o'clock होती थी, मोस्टली 8 o'clock होती थी, 8 o'clock में निकलती थी और घर आते आते मुझे 10:30 हो जाते थे क्योंकि मेरी जॉब कभी पास में भी नहीं थी, तो ये बहुत ज्यादा मेरे लिए पेनफुल था जो जॉब वाली जर्नी थी। दूसरा, साइट्स पे भी मैं उतना ही खड़ा रहती थी, धूप गर्मी सब कुछ, वहीं से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, स्किन एलर्जी मुझे बहुत ज्यादा हो गई थी, 2009 से मैं स्किन एलर्जी की दवाइयां खा रही थी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा फिजिकल एग्जर्शन था, मेंटल एग्जर्शन भी था क्योंकि लैपटॉप पे भी काम बहुत ज्यादा था डिजाइनिंग का, तो बहुत पेनफुल था वो सिस्टम जो था वो बहुत पेनफुल था। ग्रोथ तो थी, पैसा आ रहा था, पैसा नो डाउट के नहीं आ रहा था, पैसा आ रहा था, ग्रोथ हो रही थी, सैलरी बढ़ रही थी, स्टेटस बढ़ रहा था, चीजें आ रही थी घर में, लेकिन पेनफुल था वो, पेन मुझे फील हो रहा था। तो हमने 2013 में डिसीजन लिया कि चलो छोड़ो, अब हमें इतना ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब भी नहीं है कि दोनों जॉब करें, चलो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ सेविंग्स थी, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इंटीरियर डिजाइनिंग का और मेरे पास अच्छे क्लाइंटेल भी थे और बिजनेस भी मेरा बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा मैंने ग्रो किया 2018 तक मैंने किया, काफी ग्रो किया। अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग बहुत अच्छी थी मेरी, अर्निंग बहुत अच्छी की मैंने, अपने एक ही बिजनेस से मैंने 3 और बिजनेस स्टार्ट किए, अपने रिटेल स्टोर स्टार्ट किए, हमारे घर के पास ही मॉल है तो वहां पे मैंने 3 अलग अलग शोरूम स्टार्ट किए,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी अर्निंग काफी अच्छी थी, तो मेरे पास काफी काम था, बहुत काम था उस वक्त, और मैं पीक पे थी अपने करियर के, मैं बिल्कुल पीक पे थी 2018 में। तो उस वक्त लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि पहले तो मैं जॉब कर रही थी तो मुझे हेडेक तो था, मुझे सरदर्दी तो थी, ठीक है, इनकम थोड़ा लिमिटेड थी, इनकम बहुत ज्यादा कई गुना मेरी बढ़ गई, लेकिन पहले क्या था कि मैं संडे मुझे ऑफ मिलता था एटलीस्ट, कि मैं संडे को अपने लिए टाइम निकाल पाती थी। मुझे लगा ये मैंने बिजनेस जो स्टार्ट किया है ये तो जॉब से भी बदतर हो गई मेरी हालत। हम लोग छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने आप को समझने लगते हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये बिजनेसमैन नहीं हूं मैं, ये मैं कोई बिजनेस वुमेन नहीं हूँ, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई मैं, ये तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई, ये तो मैं उल्टा और फंस गई हूँ। ये तो मैं निकलना चाहती थी बाहर, जिस जो मुझे हैक्टिक शेड्यूल था, मेरा शेड्यूल तो और उससे जबरदस्त हैक्टिक हो गया, जबरदस्त। अब मैं 24/7 काम कर रही थी, 365 days काम कर रही थी, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं थी, ना संडे ना मंडे ना होली ना दिवाली ना 26 जनवरी ना 2 अक्टूबर, कोई छुट्टी नहीं थी, क्योंकि शोरूम में हमारा ऑफिस था, शोरूम में सॉरी मॉल में ऑफिस था, मॉल में शोरूम से, तो जितने भी वीकेंड्स होते थे, कोई भी फेस्टिवल होता था उस दिन ज्यादा रश होता था। तो ये तो उल्टा, और मैं बिल्कुल कंजेस्टेड हो गई, इतनी ज्यादा कंजेस्टेड हो गई कि पैसा जैसे जैसे आ रहा था स्ट्रेस वैसे वैसे बढ़ रहा था। और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, और लेकिन वो ये देख नहीं पाते कि उनकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे फील हो रहा था कि मेरा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो 2018 में ऐसी कोई बीमारी शायद नहीं थी जो मुझे ना हो, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, काफी बड़ा स्टोन था, 25 mm का, और मेरे पास टाइम नहीं था सर्जरी का, मैंने 2 महीने तक सर्जरी को टाला, मेरे पास टाइम नहीं था अपनी सर्जरी के लिए। तो इतना ज्यादा मतलब मेरा कंजस्टेड हो चुका था शेड्यूल, साइटिका की प्रॉब्लम मुझे थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे थी, थायराइड मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, स्किन एलर्जी मुझे बहुत ज्यादा थी, उसकी मेरी रेगुलर मेडिसिन, रेगुलर ट्रीटमेंट चलता था, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट रहता था। तो सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो चुकी थी। तो 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए, जो हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स थे, मैं रेंटेड हाउस में थी उससे पहले, तो घर में हम लोग अपने शिफ्ट हो चुके थे, हम अपना घर ले चुके थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली की छोटे छोटे ही ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी छोटे ही थे, एक 2 BHK घर हो अपना, एक गाड़ी हो, और बस ठीक है हम लोग सेटल हो गए, तो सबके इतने ही होते हैं, तो हमारा भी इतना ही था, तो वो अचीव कर लिए हमने अपने अपने ट्रेडिशनल काम से ही अचीव कर लिए, वो सारे सपने मेरे पूरे हो गए जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैंने सोचा था अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में। और क्योंकि हमें मिडिल क्लास में ना सिखाया ही नहीं जाता कि बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, नहीं सिखाया जाता मिडिल क्लास में, हमें बचपन से हमारे माइंड में फीड कर देते हैं कि जितनी रजाई है, जितनी चादर है, उतने पैर पसारो, हमें ये नहीं बताया जाता कि उस चादर को थोड़ा बड़ा कर लो, उस चादर को थोड़ा सा और बढ़ा लो, ठीक है, अपने सपने बड़े करो, अपनी सोच बड़ी करो, अपना आगे ज्यादा बड़ा काम करो, वो हमें नहीं सिखाया जाता। तो मैं वहां जाके ना सेटिस्फाई हो गई थी कि सब कुछ तो हो गया है, अब मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ, अब मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के उस चीज को थोड़ा सा जज किया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, 18 साल हो गए, 18 साल से हम लोग भाग रहे हैं, और इतना ज्यादा भाग रहे हैं कि हमने इन 18 सालों में ना तो कोई फंक्शन ढंग से अटेंड किया, ना कोई मैरिज अटेंड की, ना हम कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, ना बच्चों को हम टाइम दे पाए, और 95% लोगों की लाइफ ऐसी है, 95% लोगों की लाइफ ऐसी ही है जो जॉब में या बिजनेस में है, कि वो कुछ भी अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ को नहीं जी रहे। तो ये मुझे लगने लगा कि अपनी लाइफ को हम तो जी नहीं रहे, लाइफ नहीं जी रहे। तो उस वक्त एक डिसीजन लिया, और वो सारा जो बिजनेस मैंने पूरा अपना खड़ा किया था, सबको हमने धीरे धीरे वाइंड अप करना स्टार्ट किया, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो चुके थे। तो डिसीजन लिया कि एक जॉब से, एक सैलरी से हम लोग अपना काम करेंगे, और बाकी हमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक वो आत्म वो सेटिस्फेक्शन आ गया था ना कि चलो जो जो चाहिए था वो तो है, अब ठीक है एक सैलरी काफी है, उतनी बड़ी सोच भी नहीं थी। तो हमने चीजें वाइंड अप करनी स्टार्ट की, वाइंड अप कर दिया हमने अपने सारे बिजनेस। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि मैंने ये मेरा जो पेन पॉइंट था, शायद आप लोग उस चीज को ना फील कर पाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं आपको फील करा पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा जो पेन पॉइंट था वो बहुत डीप पेन पॉइंट था, कि मैंने 18 साल इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, लेकिन मुझे लास्ट में समझ में आ रहा था कि मैंने पाया क्या, क्या अचीव किया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया। मैं एक
अनसेटिस्फाई हो गई थी, मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया था अंदर से कि क्या किया। तो छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको। एक होटल था, उस होटल के मालिक का एक कुत्ता था। वो हमेशा होटल के रिसेप्शन पे के साथ में एक छोटा सा कॉरिडोर था, वहां बैठ के हमेशा रोता रहता था। तो जो भी गेस्ट आता था वहां चेकिंग के लिए, वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता था कि ये कुत्ता रो क्यों रहा है। वो धीरे धीरे रोता था, तो रिसेप्शनिस्ट से पूछता था कि कुत्ता रो क्यों रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट ये बोलती थी कि इसकी आदत है, ये हमेशा रोता रहता है। तो ज्यादातर गेस्ट ऐसे चले जाते थे। तो फिर एक गेस्ट ने उसको पूछा कि नहीं नहीं ऐसे तो क्यों रोएगा, ऐसे तो ये हर वक्त रोता रहता है, ऐसे क्यों रोएगा, कुछ तो रीजन होगा, आप मुझे बताओ कि रो क्यों रहा है, इसको कहीं चोट लगी है, कुछ दिक्कत है, इसको कोई तो प्रॉब्लम है, या तो आप इसको अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। तो ये हमेशा रोता रहता है, इसको कहीं ना कहीं दर्द है, तो कोई प्रॉब्लम है। तो जब गेस्ट ने इतना ज्यादा पूछा उससे, इतनी ज्यादा इंक्वायरी की, तो उस रिसेप्शनिस्ट ने उस गेस्ट को बोला कि ये जहां बैठा है ना, वहां एक कीला गड़ा हुआ है, जहां पे ये बैठा है इसके नीचे कीला गड़ा हुआ है, और वो कीला ना इसको चुभता है, वो इसको धीरे धीरे चुभता है, तो ये रोता है। तो गेस्ट कहता कि भाई अगर वो कीला इसको चुभ रहा है और इसको दर्द हो रहा है, तो ये वहां से उठता क्यों नहीं है, ये रोज वहीं आके बैठ जाता है, डेली वहीं आके बैठ जाता है, और वो चुभता रहता है और ये रोता रहता है, तो ये वहां से उठ क्यों नहीं रहा। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने उसको बोला गेस्ट को कि सर चुभता तो है, पर इतना भी नहीं चुभता, इतना भी दर्द बड़ा नहीं है कि वो वहां से उठ जाए। तो 90% लोगों की हालत ना हमारी उस, मैं नाम नहीं लूंगी, उस जैसी ही है जो जॉब में या बिजनेस में है, कि दर्द तो है, पेन तो है, कि जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, हमें लाइफ में जो चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा, हम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उस किले पे से हम उठना नहीं चाहते, हम उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हमारे घर की रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपए मंथली, सैलरी है 10,000, तो लोग उतना रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि हम इस 10,000 सैलरी से बड़ा कुछ सोचे, कि हम या इसके साथ कुछ सोचे, कि हम इसके साथ कुछ और कर ले साथ में, या हम इससे बड़ा कुछ सोचे और हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसे पूरा करें। हम अपनी फैमिली को समझाना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये चीज इस महीने नहीं आएगी, अगले महीने आएगी, ये काम इस महीने नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, ये हम इस साल नहीं लेंगे, अगले साल लेंगे। हम अपनी फैमिली को समझाते हैं, फैमिली को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो जो कीला हमें चुभ रहा है ना हमारी जॉब में या बिजनेस में, कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग कमा तो रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है, या कमा भी नहीं रहे हैं। अब तो सिचुएशन ऐसी है कोविड के बाद कि लोग कमा भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम उससे फिर भी बाहर नहीं आना चाहते, जो कर रहे हैं बस उसी को करे जा रहे हैं, कभी शांति से बैठ के अपना आत्ममंथन नहीं करते हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। तो वो मैंने उस दिन किया और मुझे समझ में आया कि मैं ये सब करने के लिए तो नहीं आई थी, एटलीस्ट क्योंकि मेरा एक माइंडसेट था शुरू से, शायद बचपन से ही, कि भगवान ने अगर हमें मनुष्य यूनिट दी है ना कुछ हमें करने के लिए भेजा है, नहीं तो हमें भी कोई कुत्ता बिल्ली बना के भेज सकता था। अगर हमें मनुष्य बनाया है ना, तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होगा इस दुनिया में आने का, और वो पर्पस ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पैदा हुए, हमने पढ़ाई की, शादी की, बच्चे हुए, उनको पाला पोसा और उसके बाद हम ऊपर चले गए। उसके अलावा भी कुछ होता है जो हमें करके जाना होता है इस लाइफ में, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे डिससेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा अपनी लाइफ में हो रहा था, वो भी उस वक्त जब मेरा करियर भी पीक पे था और वो सारी चीजें मैं अचीव कर चुकी थी, जो मेरे ड्रीम थे छोटे छोटे ही थे लेकिन मैं अचीव कर चुकी थी, उस वक्त मुझे वो डिससेटिस्फेक्शन क्यों था, क्योंकि मेरे माइंडसेट में वो, मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेट थी कि मेरी लाइफ का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या था, सिर्फ एक माँ का रोल या एक वाइफ का रोल तो पर्पस नहीं हो सकता, या जेंट्स भी अगर हैं तो उनका रोल सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं। मेरा एक मानना है कि जो अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली की जो देखरेख और अपने बच्चों का खाना पीना या अपने बच्चों की देखरेख ना, एक जो नॉर्मल एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी करते हैं, वो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वो भी अपने बच्चों को फीड करते हैं, तो हम लोग उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं उस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी कि हमने ऐसा क्या किया। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी फैमिली के ड्रीम्स, उनके जरूरतें पूरी करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बाद क्या। ये आपको मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ना हम लोग ऐसे लोगों को टच ही नहीं करते जिनका हमें लगता है काम बहुत अच्छा चल रहा है, सैलरी बहुत अच्छी है, हमें लगता है कि इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, रेनेटिस वेलनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ लोग पैसे के लिए ही करना चाहें।
इनकम तो इसमें है ही है, लोग इनकम तो कमा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को लाइफ में चाहिए होती है, जो मुझे चाहिए थी मुझे समझ में आया कि मुझे चाहिए टाइम फ्रीडम, कि मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसमें मुझे प्रॉपर टाइम फ्रीडम हो, मैं बंद के ना रहूं कि मुझे इतने बजे बैठना ही बैठना है, मुझे इतने बजे उठना ही उठना है। मैं टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए थी कि मैं अपनी लाइफ की और भी जो चीजें हैं उनको भी मैं मैनेज कर पाऊं, मैं अपनी लाइफ की और भी चीजें मैनेज कर पाऊं। तो मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए थी, जो मुझे ना मेरी जॉब में मिली ना मुझे मेरे बिजनेस में मिली। बिजनेस में तो उल्टा मैं और ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो गई, और फाइनेंशियली भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझे सैलरी मिलती थी जब मैं इतने से इतने बजे तक बैठती थी, अब मैं सैलरी दे रही हूँ उसकी टेंशन ले रही हूँ और मुझे तो कोई सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो ठीक है, वो लेकिन वो सब रनिंग में बिजनेस में निकल जाता है, क्योंकि सबको पता है कि बिजनेसमैन हमेशा लाखों कमाता जरूर है लेकिन उसकी पॉकेट में कभी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था उस वक्त, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं सारी चीजें भी छोड़ दूंगी और मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगी। तो मैंने टाइम दिया अपने आप को, मैंने 1.5-2 महीना मैंने घर पे में बैठी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स मूड में भी आ गई थी, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गई, क्योंकि नए नए घर में शिफ्ट किया था, उसका एक्साइटमेंट था मुझे अलग से, क्योंकि खुद इंटीरियर डिजाइनर थी तो ऑब्वियसली सारी जिंदगी घर बनाए लोगों के, तो सोची थी बस अपने घर पे ही पूरा अपना फोकस था कि मैं उसको अपने घर को डेकोरेट करूँ ये करूँ, तो मैं भी मतलब वो एक लेडीज वाली फीलिंग मुझे आने लग गई थी और मैं घर में ही अपने आप को पूरा का पूरा मैंने इन्वॉल्व कर लिया था। लेकिन क्योंकि काम करने की आदत थी तो 1.5-2-3 महीने ही हुए थे सिर्फ मुझे, उसके बाद मुझे अंदर से फिर से आने लगा कि नहीं मैं ऐसी तो लाइफ नहीं मैंने एक्सपेक्ट की, मैं घर में तो नहीं बैठ सकती, एटलीस्ट हाउसवाइफ तो नहीं बन सकती, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना है और मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है कि सिर्फ किचन और बेडरूम और बेडरूम और किचन, बस ये सब नहीं मुझे करना है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी थी उस वक्त तक, मेरा पर्पस क्लियर हो चुका, पर्पस तो नहीं मैं कहूंगी लेकिन मुझे क्लियर हो चुका था कि एक तो मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, जो भी मैं काम करूँ उसमें मुझे टाइम फ्रीडम हो, दूसरा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था जहां इन्वेस्टमेंट कर दी वहां मुझे बहुत ही ज्यादा पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन लेना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुकी थी, तो उस वक्त कंडीशन में भी नहीं थे हम लोग के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन देख रही थी कि ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे कुछ काम कर सको आप, तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी। जब हम सर्च करना शुरू करते हैं तो हम ज्यादातर फिर सक्सेस स्टोरीज पे जाते हैं किसी इंडस्ट्री की, तो जब मैंने सक्सेस स्टोरी सर्च करनी स्टार्ट की तो सबसे ज्यादा जो सक्सेस स्टोरी मेरे सामने आई वो थी डायरेक्ट सेलर्स की, नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी, और एक कंपनी की नहीं लगभग सभी कंपनियों की देखी मैंने, लगभग सभी कंपनियों की। एक कोई दूध बेचने वाली लेडी है, एक कोई बाइक ठीक करने वाला बंदा है, कोई मोची है, कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई टीचर है, हर कोई सक्सेसफुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मैजिकल इंडस्ट्री जिसका मैंने आज तक नाम नहीं सुना, मेरे इतने बड़े करियर में मैंने कभी नाम नहीं सुना। नाम शायद इसलिए नहीं सुना क्योंकि मैं सोशल ही नहीं थी, मैं लोगों के टच में ही नहीं थी, मैं तो अपना ही काम करती जा रही थी, तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना कि ये भी कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। तो मुझे लगा कि ये कौन सी मैजिकल इंडस्ट्री है जिसमें हर कोई सक्सेसफुल है, हर कोई लखपति करोड़पति बन जाता है, और मुझे उस वक्त लगा कि ठीक है इसको मैं थोड़ा सा सीरियस मोड पे मैं इसको सर्च करूं। मैंने उसको थोड़ा सर्च किया, 6-7 महीने का टाइम मैंने लगाया, 6-7 महीने मैंने पूरा उसको देखा सर्च किया, और मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ही मुझे करनी है, क्योंकि मेरा एक जो पर्पस था ना कि मैं अपने लिए, मैंने बहुत सारा काम किया है अपने लिए किया है, अपनी फैमिली के लिए किया है, लेकिन अब मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूं साथ में कि जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। काम तो मैं कर रही हूँ, काम तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही थी, मैं सिर्फ अपनी हेल्प कर रही थी, सिर्फ अपने लिए कर रही थी, अपनी फैमिली के लिए कर रही थी। अब मुझे ये था कि मैं ऐसा काम कोई चूज करूंगी, ऐसा कोई ना कोई काम करूंगी जिसमें मैं लोगों की भी हेल्प कर सकूं। तो वो फील मुझे आई कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं और मैं इसमें जरूर लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। तो 2 साल मैंने किसी ABC कंपनी में काम किया, किसी और सिस्टम के साथ काम किया, लेकिन 2 साल में मुझे ना वो फील नहीं आ रही थी, वो एक्साइटमेंट मेरा उतना नहीं था, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था कहीं ना कहीं। मतलब इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। मुझे लग रहा था मेरा पर्पस जो था वो बहुत बड़ा था और वो मुझे अभी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो उसी वक्त मेरे सामने एक छोटी सी डब्बी आई रेनेटस नोवा की, रेनेटस नोवा जो प्रोडक्ट है वो मेरे सामने आया, मेरे घर पे आया मेरे हस्बैंड के थ्रू। लेकिन जिस सिस्टम में मैं काम कर रही थी वहां मेरा काम अच्छा चल रहा था,
भले ही सेटिस्फाई नहीं थी, वही सेम सिचुएशन थी जो जॉब में थी, बिजनेस में थी, वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी कि काम अच्छा चल रहा था लेकिन सेटिस्फाई नहीं थी, फील नहीं आ रही थी मुझे, उतना मजा नहीं आ रहा था काम करने में, मजा नहीं आ रहा था, तो मुझे कभी कभी बोरियत हो जाती थी। फिर जब हमें बोरियत होने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि काम मतलब हमारे लिए है नहीं, तो मुझे वो फील आने लग गई थी। तो एक डब्बी आई मेरे घर में रिनेटस नोवा की। तो रिनेटस नोवा की जब डब्बी आई, उससे कुछ महीने पहले मुझे कोविड हुआ था और उसके बाद मुझे स्किन एलर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जो मुझे पहले खाली फेस पे थी आर्टिकेरिया, वो मेरी पूरी बॉडी पे हो चुकी थी, पूरी बॉडी पे मुझे इचिंग थी बहुत ज्यादा और रेडिश मुझे रेड रेड दाने हो जाते थे, इचिंग हो जाती थी, तो सब लोग देखते थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। मैंने काफी एलोपैथी खाया, एलोपैथी में सिट्राजिन एंटी एलर्जिक होती है, सबको पता होगा कितनी हाई डोज होती है, उसे खा के मुझे चक्कर आते थे, मैं पूरे दिन उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैं डेली खाती थी, डेली खाते खाते मुझे 3-4 महीने हो गए थे। होम्योपैथिक भी खा रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रिकमेंड किया ये लेने के लिए। मेरा थायराइड काफी ज्यादा बड़ा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड थायराइड के लिए बेसिकली मुझे रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैंने सुनी नहीं उनकी बात। 1 महीने तक वो रिनेटस नोवा मेरे घर में मेरी आंखों के सामने रखी रही, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि भाई मैं जिस कंपनी में हूँ, जिस सिस्टम में हूँ, 20 से 22 सप्लीमेंट है, मैं तो सारे खाए हैं, मैं तो 2 साल से खा रही हूँ, दबा के खाए हैं हमने, हम काम ही वेलनेस पे करते थे, तो जब उससे मुझे रिजल्ट नहीं आया तो एक डब्बी से क्या आएगा, तो मेरा ये माइंडसेट था। तो मैंने जब मुझे लगा मेरे हस्बैंड बार बार मुझे बोल रहे हैं, तो इनको रॉन्ग प्रूफ कर दूं मैं, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मैंने वो सप्लीमेंट खाना शुरू किया। मैंने कहा ये मैं रिनेटस नोवा यूज करूंगी, मैंने अपनी सारी दवाइयां हटा दी, सारे सप्लीमेंट हटा दिए, सब कुछ मैंने हटा दिया, मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, अब मैं ये खा रही हूँ, अब मैं रेगुलर इसको खाती हूँ, जैसे आप बता रहे हो वैसे वैसे मैं खाऊंगी, और वैसे ही मैंने खाना शुरू किया। विद इन अ वन वीक मुझे ये याद नहीं रहा कि मुझे स्किन एलर्जी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इचिंग थी, तो इचिंग मेरी एकदम खत्म हो गई और मुझे कोई रेडिशनेस भी खत्म हो गई। तो विद इन अ वन वीक मेरी एलर्जी खत्म हो गई, मेरे सर पे जो बाल थे वो बहुत कम रह गए थे, बहुत ज्यादा खत्म हो गए थे, क्योंकि एक तो एलर्जी मुझे ज्यादा थी, दूसरा मेरा थायराइड बहुत ज्यादा था, तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा था, तो मेरे हेयर फॉल भी खत्म हो गया, हेयर फॉल मतलब बहुत कम हो गया, मैं खत्म तो नहीं कहती, बहुत कम हो गया, इतना कम कि वो इतना ज्यादा आ नहीं रहा था, आंखों में इतना ज्यादा लग नहीं रहा था, कि हल्के फुल्के बाल सबके झड़ते हैं, वो एक नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा अब नॉर्मल हो जाता है। तो ये मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट आया, सिर्फ 1 हफ्ते में। तो 1 हफ्ते बाद मेरा जो माइंडसेट, जो बिल्कुल देखने को सुनने को तैयार नहीं था इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं शिफ्ट नहीं करना चाहती थी फिर से, वो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट ने, एक सिंगल डब्बी ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया कि नहीं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो है इसमें, जो मुझे इतने प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया, मुझे एलोपैथी से नहीं आया, मुझे होम्योपैथी से नहीं आया, मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट से कैसे आया। तो ये मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ तो है। मैंने सर्च करना थोड़ा शुरू किया, थोड़ा मैंने उसकी और रिजल्ट की वीडियोज देखी, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करूंगी, और मैंने अपना स्विच किया, मैंने रिनेटस वेलनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे जैसे मेरे अप्लाई, मेरी जो ग्रेट अप्लाई ने मेघा शर्मा सर, उन्होंने मुझे बताया, मैंने जैसे उन्होंने बताया वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा किया। उन्होंने मुझे कहा मैम प्रोडक्ट को प्रमोट करना है आपको, सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। मैंने प्रोडक्ट शेयर करना शुरू किया, प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट किया, तो मुझे मतलब फील तो आ रही थी, क्योंकि मुझे रिजल्ट आ गए थे इस चीज की, मुझे फीलिंग थी अंदर से, मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वेलनेस का प्रोडक्ट था, और हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है, और हम लोग दे रहे थे, तो शेयर करना मैंने शुरू कर दिया था। शेयर करने के बाद 1 महीना भी नहीं हुआ था, मुझे लोगों के रिजल्ट के कॉल्स आने लगे, रिजल्ट के मुझे मैसेजेस आने लगे, तो मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो एकदम पीक पे था, कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट और इतना अच्छा प्रोडक्ट, और मैं कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ है, मेरी फील ही चेंज हो गई। डायरेक्ट सेलिंग में आकर जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो मुझे रिनेटस वेलनेस में आकर मिला, और एक सिंगल प्रोडक्ट से मिला, जो मैं 600 प्रोडक्ट वाली कंपनी में मुझे नहीं मिला, वो मुझे एक रिनेटस नोवा ने दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मेरा पर्पस जो था लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि तब तक बिजनेस तो मेरे माइंड में गया भी नहीं था, मुझे सिर्फ वो जो कॉल आती थी ना कि मुझे इसमें रिलीफ है, मुझे इसमें रिलीफ है, मुझे इसमें रिलीफ है, वो मेरे लिए बड़ा मायने रखता था, कुछ लोग तो बताते इमोशनल हो जाते थे, कुछ लोग इतना थैंक यू मुझे बोलते थे, थैंक यू कि आपने मुझे ये दिया, तो मेरे लिए वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट हो जाता था। तो मुझे लगता था मेरा पर्पस सॉल्व हो गया लोगों की हेल्प करने का, और मुझे ये पता है कि अगर आप यूनिवर्स को कुछ दे रहे हो ना, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, तो जो आपको चाहिए वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा, यूनिवर्स को आप जो देते हो ना 10 गुना मिलता है। आप हेल्थ दे रहे हो तो हेल्थ भी आपकी 10 गुना इंप्रूव होगी। तो ये मुझे पता था कि अब मैंने देना शुरू किया है,
अब मैं लोगों को हेल्प दे रही हूँ, लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो मुझे चाहिए वो मेरे सपने भी पूरे होंगे। Renatus Wellness में आने के बाद ही मेरा विजन बहुत बड़ा हो गया, मेरे सपने बहुत बड़े हो गए और बहुत ज्यादा मेरा विजन भी क्लियर हो गया। और एक अलग फील है, बिल्कुल एक अलग एक्साइटमेंट रहता है हर वक्त, एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता है Renatus Wellness में काम करके। और जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है इतना शानदार है हमारी कंपनी का, हमारे जो हमारे ऋषिकेश पाठक सर है इतना ज्यादा हमें ट्रेन करते हैं, उसके अलावा जो हमारी ग्रेट अपलाइन है मेघना सर और लखविंदर सर, उनका सिस्टम वो इतने अच्छे से हमें एक एक चीज सिखाते हैं, छोटे बच्चों की तरह हमें सिखाते हैं, कि इतना मैंने सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं देखा। मैंने इससे पहले भी कंपनी में काम किया है लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कुछ भी सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आपको जब तक आप एक लेवल पे अचीवर नहीं बन जाते या जब तक आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई जानता भी नहीं है वहाँ, कोई नहीं जानता आपको। और यहाँ पे जो टॉप अपलाइन है या जो कंपनी के ट्रेनर्स हैं वो भी आपको जानते हैं भले ही आप नए हो, और आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, फर्स्ट डे से आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है, फर्स्ट डे से आपको आपकी सक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, और सिर्फ बताया नहीं जाता, आपका साथ दिया जाता है। तो वो चीजें जो मुझे काफी, मैं इमोशनली इसलिए टच हूँ अपने Renatus Wellness से, अपने प्रोडक्ट से, क्योंकि मैंने वो सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही थी, कि वो चीजें वहां थी नहीं जो मुझे यहाँ पे मिली। यहाँ पे एक सिंपल से सिंपल, जो कि मैं खुद अगर मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने शुरू में भी बताया मैं बात नहीं करती थी, और आज मैं जो आप लोगों के सामने और इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं इतने लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ, वो भी देन Renatus Wellness की है, वो भी देन हमारा लखविंदर सर की है, मेघराज सर की है, कि मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। उससे पहले मैं काम जरूर कर रही थी लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और कभी भी मैंने ऐसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, या कोई जूम पे ऐसे हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते थे, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ इतना सिखाया गया कि प्रोडक्ट सेलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा सेल लाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ, ज्यादा से ज्यादा सेल लाओ, उससे ज्यादा हमें कुछ सिखाया नहीं गया। तो वही हमें हैबिट पड़ चुकी थी, वही हमें बिल्कुल हैबिट पड़ चुकी थी। एक्सक्यूज मी, सॉरी एवरीवन, क्योंकि मेरा गला आज थोड़ा सा खराब है, इसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी शुरुआत में ही, कि जो इस सिस्टम का पार्ट बनेगा ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जहाँ पे अपलायंस इतने ज्यादा हैंड होल्डिंग करते हैं, जहाँ हमारे कंपनी के ट्रेनर्स इतने ज्यादा हैंड होल्डिंग करते हैं, और जहाँ हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है, इतना शानदार प्रोडक्ट है, कि वहां पे ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी सक्सेस ना हो। अगर Renatus Wellness में आके भी कोई सक्सेस नहीं हो पाया ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो फिर वो हो नहीं सकता, ये मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, 100%, क्योंकि इतना सिंपल सिस्टम और इतने अच्छा प्रोडक्ट के साथ अगर कोई सक्सेस नहीं हुआ तो वो किसी भी सिस्टम में नहीं होगा। तो ये पावर है इस सिस्टम की, और ये पावर है हमारे प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट ही सारा काम कर देता है, 80% काम तो प्रोडक्ट ही कर देता है, हम लोगों को काम करना नहीं पड़ता, हम लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट ही दिया है, प्रोडक्ट ही हम लोग देते हैं और वहीं से हमें काम हमारा शुरू हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि थोड़े टाइम बाद एक महीना ही हुआ था, और मुझे प्रोडक्ट के लिए कॉल आने शुरू हो गई, कि लोगों ने रीपर्चेज के लिए मुझे कॉल की कि हमें एक बॉटल चाहिए, हमें दो बॉटल चाहिए, तीन बॉटल चाहिए। तो वहां पे भी मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कैसे हो गया, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस ऑटो मोड पे कैसे चला गया, ये सिस्टम ऑटो मोड पे कैसे चला गया, ये तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने एक एक बार दिया था। और जब अब हम और अगर किसी सिस्टम में होते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं, बहुत सारा हम प्रमोशन करते हैं, डेमो शेमो दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तब जाके एक बार कोई हमारा प्रोडक्ट लेता है, और दूसरी बार देने के लिए हमें फिर से उतनी एनर्जी, उतना टाइम, सब कुछ लगाना पड़ता है। और वो भी एक तरह से सामने वाले को भी लगता है कि प्रोडक्ट थोप के गए हैं ये हमें, और हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जबरदस्ती प्रोडक्ट हम दे आए हैं उसे, उसको शायद चाहिए नहीं था, वो लेना नहीं चाहता था, तो यही कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन का मेरा एक रीजन भी था। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि ये कैसे हो गया, मेरा तो जो बिजनेस था वो ऑटो मोड पे चला गया, मैंने तो एक बार थोड़ा सा प्रोडक्ट प्रमोट किया था और लोगों के तो कॉल्स आने लग गए कि एक बॉटल चाहिए, दो बॉटल चाहिए, चार बॉटल चाहिए, छह बॉटल चाहिए। तो ये मुझे सिस्टम चाहिए था ऑटोमेशन वाला, जहां पे मुझे टाइम फ्रीडम मिल सके कि एक बार काम करो और उसके बाद आपका काम अपने आप होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो पावर थी ये हमारे प्रोडक्ट की थी, ये हमारे पावर जो है वो हमारे प्रोडक्ट में है, कि जिसको हम एक बार दे देते हैं ना, अगर एक बार हम उसे समझा दे कि उसको कैसे लेना है, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएं,
उसको खाली हम एक बॉटल ना देके आए, उससे हम अपना कनेक्शन बिल्ड करके आए, तो हमारा बिजनेस ऑटोमोड पे चला जाएगा। धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम हमारा बिजनेस कैसे ग्रो हो गया, हमारा बिजनेस ऐसे पूरा ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे 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 नहीं जाएगा, तो बिजनेस हमारा पूरा ऐसे जाने वाला है। तो ये चीजें मुझे फील हुई कि ये शुरुआत की मैं आपको बता रही हूँ, अभी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन चीजों को लेके, लेकिन ये शुरुआत के एक दो महीने में ही मुझे इतना ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, हर वक्त हर चीज से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मुझे सिस्टम से, मुझे प्रोडक्ट से, हर चीज से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था। साथ में जो हैंड होल्डिंग हो रही थी वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो जस्ट अभी स्टेप इन किया है, अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो मुझे इतना हैंड होल्डिंग क्यों मिल रहा है। मुझे पता लगा कि सबको इतना हैंड होल्डिंग मिल रहा है, सब ही लोग ग्रो कर रहे हैं, सब लोग ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी बिखरी बढ़ी है रेनेटिस वेलनेस में, बिखरी बढ़ी है, इतनी है कि अगर हम समेटना शुरू करें तो समेट नहीं सकते। और बाकी सिस्टम की अगर बात करूं तो वही गिने चुने लीडर्स होते हैं, वही उन्हीं की सक्सेस स्टोरी बार बार दिखाते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश पाठक सर भी कहते हैं कि 3 साल हुए हैं और अगर हम डेली एक सक्सेस स्टोरी लाना स्टार्ट कर देना तो उस बंदे का नंबर 1 साल बाद ही आएगा, क्योंकि 400 से ज्यादा तो अचीवर्स हो चुके हैं, 400 से ज्यादा करोड़पति हो चुके हैं, तो अगर उनको हम डेली लाना शुरू करें ना तो वो उनका नंबर भी 1 साल बाद आएगा। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सबको और अपने पूरे रेनेटिस वेलनेस परिवार को, और मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन को, अब लखविंदर सर को, मेघराज सर को, जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया, इतना ज्यादा हैंड होल्डिंग किया। थैंक्स करना चाहूंगी मैं अपनी पूरी टीम को, क्योंकि टीम के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मेरी टीम है ना, जो मेरी हर्ट लाइन है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है, और कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत खुश भी है इस चीज के लिए कि मैं उनको वहां से अपने साथ यहाँ ले आई। वो लोग भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी था चीजें बहुत सारी, उन लोगों को भी पेन पॉइंट थे जो मैं समझ भी पा रही थी, क्योंकि मुझे यही था कि मेरी अचीवमेंट्स आ रही है, मुझे चेक आ रहे हैं, लेकिन मेरी टीम में हर कोई उस काम को कर नहीं पा रहा। मैंने एक पॉइंट सीखा था शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग में कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ, मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैंने देखा कि किसी को सिखाना नहीं पड़ा मुझे किसी को नहीं सिखाना पड़ा, इजिली लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, इजिली लोग मेरी टीम डुप्लीकेट कर रही है, इजिली सबको पे आउट्स आ रहे हैं, तो सिर्फ मुझे नहीं आ रहा, उन सबको भी आ रहे हैं, सब काम कर पा रहे हैं, और उसके लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस उनको नहीं सिखानी पड़ी। सिर्फ हमारा जो 8 बजे का सेशन है, जो हमारा सुबह का, हमारे ग्रुप में 7 बजे का सेशन होता है, वो 2 सेशन सब रेगुलर अटेंड करते हैं, और उन 2 सेशन से ही लोग अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं। वहां पे भी मेरा टाइम एनर्जी बच गया, वहां पे भी मेरा टाइम एनर्जी बच गया, और वहां पे लोग सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और फर्स्ट डे से सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सीखो 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 सीखो, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट डे से सब काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबके पे आउट आ रहे हैं, तो सब मेरी टीम भी खुश है, और मैं मुझे बहुत प्यार करती है मेरी टीम, मेरी पूरी टीम मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और मैं भी अपनी टीम से बड़ा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों ने मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस बनाए रखा, इतना विश्वास बनाए रखा। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि रेनेटिस वेलनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हमें हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, और हमारे जो बड़े ड्रीम्स अगर हैं, अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो हम कितना भी बड़ा सोच सकते हैं, इतनी ताकत है, इतनी ताकत ये अपॉर्चुनिटी हमें देती है कि हम बड़े से बड़ा कर सकते हैं। मेरा बहुत छोटा सा ड्रीम था नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, 2 BHK फ्लैट और 1 गाड़ी, उससे ज्यादा मैंने अचीव कर लिया था नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, लेकिन मेरे ड्रीम नहीं थे, ड्रीम खत्म हो चुके थे। और जब दूसरे सिस्टम में मैं गई, वहां पे भी मैंने अपने कोई ड्रीम नहीं बनाया, एज सच कोई ड्रीम नहीं बनाया, सिर्फ मुझे ये था कि मुझे ठीक है थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अपना, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है तो मैं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया, मेरे ड्रीम्स क्लियर हो गए, मेरा पर्पस क्लियर हो गया। मेरा विजन है कि 2025 तक रेनेटिस वेलनेस में कम से कम मेरी टीम में 10,000 कम से कम वुमेन्स होंगी, और उन सबको मैंने वुमेन्स अचीवर बनाना है। कि रेनेटिस वेलनेस में अगर किसी वुमेन लीडर का नाम लिया जाए तो सबसे पहले अर्चना पवार का नाम आए, और सबसे बड़ी टीम का जो टीम है वो मेरी टीम का नाम लिया जाए। तो इसके लिए मैं सब पूरी की पूरी मैनेजमेंट का, पूरे के पूरे जो रेनेटिस वेलनेस परिवार है, फैमिली है, मैनेजमेंट है, हमारे सुब्रत दत्ता सर है, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरा विजन जो इतना बड़ा हुआ है वो इन सबके आशीर्वाद से हुआ है, कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इतना सब कुछ मुझे यहाँ पे मिला है। मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन, पूरा खुशी, एक फील जो मुझे मिल रही है काम करने की, जो मुझे ना जॉब में मिली, ना बिजनेस में मिली, और ना ही मुझे मेरे पुराने सिस्टम में मिली। तो
आप लोग भी पूरी मेहनत से काम करें, पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें, नेगेटिविटी